हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आप सब बेटा बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन स्टडी करेंगे कोड डोमिनेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, काफ़ी स्टडीज़ हुई जीन लेवल पे, जिसपे अपन ने देखा था जीन इंट्रैक्शन, जिसे अपन बोलते हैं। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि जो जीन इंट्रैक्शंस हैं, टू टाइप्स के जीन इंट्रैक्शंस होते हैं, एक होते हैं एलिलिक और दूसरे होते हैं नॉन एलिलिक। बेटा आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि एक जीन के दो एलील होते हैं, अगर उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं एलिलिक इंट्रैक्शन या इंट्राजीनिक इंट्रैक्शन। सेकेंड वन जो था, दो जीन के डिफरेंट एलील्स के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा था उसे हम बोलते हैं इंटरजेनिक इंट्रैक्शन या नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन। तो अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था एलिलिक इंट्रैक्शन। एलिलिक इंट्रैक्शन के अंदर हमने सबसे पहले देखा था बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है कि जब भी कोई दो पेरेंट के बीच में क्रॉस होता है तो उसके अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा F1 प्रोजेनी के अंदर, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और अपने कैरेक्टर शो करता है। डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है, डोमिनेंट एलील जो होता है, वही अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हमने देखा, जिसका एग्जाम्पल था मिराबिलिस जलापा या एंटीराइनम मुजस, तो उसके अंदर बेटा कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिला कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, कोई एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था। ना तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा था, 50 to 70% ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था। एक इंटरमीडिएट स्टेज आ रही थी, एक डिफरेंट स्टेज आ रही थी जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, जो है बेटा को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या होता है? व्हाट इज को डोमिनेंस? एक जीन के दोनों एलील्स होते हैं, दो प्रोजेनी के बीच में जब क्रॉस करवाते हैं तो दोनों एलील्स इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं बेटा को डोमिनेंस। तो इसमें अपन एग्जाम्पल देखेंगे। काउ कलर, काउ का जो कैटल्स हैं, कैटल का स्किन कलर, स्किन कलर ऑफ कैटल्स का अपन एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है AB ब्लड ग्रुप। तो ये चलो अपन डिस्कस करते हैं क्या होता है को डोमिनेंस, व्हाट इज को डोमिनेंस, को डोमिनेंस क्या होता है, अपन वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। इट इज, एक सेकेंड, इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस लॉ स्टेट्स दैट बोथ द एलील्स ऑफ ए जीन टुगेदर एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड, इन F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड, F1 जनरेशन के अंदर इक्वली अपने आप को क्या करते हैं बेटा, एक्सप्रेस करते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन सबसे पहले लेते हैं पेरेंट यानी स्किन कलर ऑफ काउ, स्किन कलर ऑफ कैटल की अपन बात करते हैं सबसे पहले, स्किन कलर ऑफ कैटल, ठीक है बेटा, स्किन कलर ऑफ कैटल की हम बात करते हैं यहां पर। ये पेरेंट लिया बेटा मैंने, मेल और ये फीमेल दोनों के बीच में मैं क्रॉस करवाने जा रहा हूं। एक मैंने कलर लिया रेड और एक कलर लिया मैंने वाइट, ठीक है मेरे बच्चे। इसको अपन डिनोट करते हैं केप्लर, केप्लर, डब्लू और डब्लू, ठीक है बेटा। एक टाइप का गैमेट बना यहाँ पे आर, ठीक है, यहाँ पे एक टाइप का बना डब्लू और दोनों का फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे जो हमें आर डब्लू, ये जो हमें F1 मिलती है, F1 प्रोजेनी बेटा जो हमें मिली, ये कायदे से कैसी मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस ये हमें मिलनी चाहिए थी यहाँ पे रेड कलर की काउ।
बट यहाँ पे होता क्या है कि हमें कैसे कलर की यहाँ पे काउ मिलती है, रॉन। ये रॉन क्या होता है, एक काउ जो कैसी हो, रेड कलर की हो और उसके ऊपर वाइट पैचेस हमें देखने को मिले। एक रेड कलर की काउ जिसके ऊपर हमें बेटा क्या देखने को मिलते हैं, पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये रेड कलर की काउ है पूरी कंप्लीट, एक रेड कलर की काउ जिसके ऊपर हमें पैचेस देखने को मिलते हैं, वाइट पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। ये रेड काउ विद वाइट पैचेस, ये जो ऐसा जो हमें कलर देखने को मिलता है बेटा, ये जो कलर हमें देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं रॉन, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे क्रॉस करवाया, इसका इसके साथ में करवाया यहाँ पे अपन ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फिंग। ओके, अब हम इसकी सेल्फिंग करवाने जा रहे हैं, सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आर डब्ल्यू का क्रॉस बेटा हमने करवाया, आर डब्ल्यू यहाँ से इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया, टू टाइप्स के हमें गैमेट्स मिलते हैं, आर डब्ल्यू आर डब्ल्यू। ओके, देन पुन्नेट चेकअप बोर्ड की हेल्प से अपन इस क्रॉस को समझते हैं, ठीक है बेटा। कुछ हमें ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये आर डब्ल्यू और ये भी आर डब्ल्यू। ओके, ये मेल ये फीमेल, यहाँ पे हमने क्रॉस करवाया तो यहाँ पे ये जो काउ मिलेगी, जो डोमिनेंट कंडीशन है यानी होमोजाइगस कंडीशन के अंदर हमें ऐसा जो मिलेगा वो रेड मिलेगा, और आर डब्ल्यू हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर हमें कैसी काउ मिलती है, रॉन। और यहाँ पे भी आर डब्ल्यू, यहाँ भी हमें कैसी काउ देखने को मिलेगी, रॉन। और डब्ल्यू डब्ल्यू इस कंडीशन के अंदर हमें कैसी देखने को मिलेगी बेटा, वाइट काउ, ठीक है। एक कंप्लीटली कैसी है, रेड है, एक कंप्लीटली कैसी है, रेड है, और ये कैसी है, रेड विद वाइट पैचेस, रेड विद वाइट पैचेस, रेड विद वाइट पैचेस के साथ में हमें ये काओ देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा, रेड विद वाइट पैचेस। और ये वाली जो काओ मिलेगी हमें कंप्लीटली व्हाइट कलर की मिलेगी। तो यहाँ पे बेटा जो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो आएगा, यहाँ पे अपन फिनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे अपन देखते हैं तो कैसा हमें मिलेगा, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मिलेगा। और जीनोटिपिक रेशियो भी बेटा हमें यहाँ पे कैसा मिलता है, जीनोटिपिक रेशियो भी हमें यहाँ पे 1:2:1 मिलेगा, यानी फिनोटाइप जीनोटाइप यहाँ पर भी इक्वल होगा। क्या डिफरेंस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के अंदर जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये को डोमिनेंस के अंदर दोनों जो एलील्स हैं, दोनों जो गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ पे दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये कैसी मिलती है, एक हमें रेड मिलती है, दो हमें रॉन मिलती है, और एक कैटेगरी जो बेटा हमें मिलती है वो वाइट मिलती है, ठीक है। ये कैसी मिलती है, हमें वाइट मिलती है। तो इसको आप बेटा एक बार नोट डाउन कीजिए, इसका अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसको अपन मल्टीपल एलिलिज्म के साथ में ही अपन इसको डिस्कस करेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप को अपन मल्टीपल एलिलिज्म के साथ में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, अब बेटा अपन डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अभी अपन ने कोडोमिनेंस डिस्कस किया, अब अपन डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलील क्या होता है बेटा, अगर एक जीन के दो से ज्यादा फॉर्म्स प्रेजेंट हों तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म, जो कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करे उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो अगर बेटा मैं बात करता हूँ ब्लड ग्रुप का, तो उसमें हमें ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ए बी ओ ब्लड ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल एलील्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर जो ब्लड ग्रुप है उसे कंट्रोल करते हैं। तो चलो देखते हैं, ए जीन हैज मोर देन
डिफरेंट फॉर्म्स या अल्टरनेट फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलील्स। ठीक है बेटा, यानी एक जीन के एक से ज्यादा एलील, दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिज्म बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता हो। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि वो जीन, ऐसा जीन कौन सा है। आई जीन की बेटा मैं बात करूं यहां पे कि आई जीन है, और आई जीन के कितने फॉर्म्स हैं, आई जीन जो है इसके थ्री एलील्स हैं। कितने एलील हैं बेटा इसके, थ्री एलील्स हैं। ओके, वन टू थ्री, कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी और आई ओ। आई ए एंड आई बी जो है बेटा, आई ए एंड आई बी जो है ये दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, और आई ओ कैसा है बेटा, ये रेसेसिव है। ये कैसा है, रेसेसिव है। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ये बेटा हमें कोई लार्ज पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलेगा, ए बी ओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, अगर अपन लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो हमें देखने को मिलता है। अब बेटा अगर मुझे जीनोटाइप का नंबर निकालना हो तो मैं जीनोटाइप का नंबर कैसे निकालूंगा, अगर हमें जीनोटाइप फाइंड आउट करना है तो जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जिससे अपन जीनोटाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस वन बाय टू। इस फॉर्मूले से आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जीनोटाइप्स, कि कितने तरह के जीनोटाइप होंगे इसके। ठीक है, तो सर एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ एलील्स, नंबर ऑफ एलील्स। ठीक है बेटा, तो एक जीन के कितने एलील हैं, एक जीन के बेटा कितने एलील हैं, यहां पे आई जीन के थ्री एलील्स हैं। कौन कौन से, कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। तो यहां पे अपन पुट करेंगे थ्री, थ्री प्लस वन फोर, तो ये टोटल कितना आ गया, डिवाइडेड बाय टू, तो ट्वेल्व बाय टू, तो यहां पे आ गए सिक्स टाइप के जीनोटाइप्स बनेंगे, सिक्स जीनोटाइप्स होंगे, जीनोटाइप आ गए अपने पास में। कौन कौन से सिक्स टाइप के जीनोटाइप होंगे बेटा, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है, एन प्लस वन आप फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलील, तो अपने को फिनोटाइप्स भी मिल जाएगा, फोर टाइप्स के फिनोटाइप होंगे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, ए ब्लड ग्रुप होता है, कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिलेंगे बेटा हमें, ए ब्लड ग्रुप मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप मिलेगा, ए बी ब्लड ग्रुप मिलेगा और ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा। जनरली हमें कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, फोर टाइप्स के, और टोटल एलील्स कितने होते हैं जो इस इन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, थ्री एलील्स होते हैं एक जीन के, जो कि फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, और इनके जीनोटाइप कितने होंगे, सिक्स टाइप के जीनोटाइप्स होंगे। चलो अपन देख लेते हैं, आई ए, आई ए होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है बेटा, आई ए, आई बी, आई ए, आई ओ, सॉरी रिसेसिव है आई ओ, तो हेटरोजाइगस कंडीशन में, आई बी, आई बी होमोजाइगस कंडीशन के अंदर, और आई बी, आई ओ हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर, आई बी, आई ओ हेटरोजाइगस कंडीशन के अंदर, आई ए, आई बी ये इसी में मिलेगा ओनली डोमिनेंट कंडीशन में, इसका नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट वन इज आई ओ, आई ओ। देखो ब्लड ग्रुप के बारे में बेटा आपने अच्छे से बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आपने अच्छे से ब्लड के अंदर पढ़ा होगा, लैंडस्टीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी, और हमें फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं जिनके सिक्स टाइप के जीनोटाइप्स हैं, थ्री एलील्स उसको कंट्रोल करते हैं, और फिनोटाइप फोर है, ए बी, ए बी और ओ। तो ये बेटा हमें सिक्स टाइप के यहाँ पे जीनोटाइप देखने को मिलते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं।
अब ये इतना बात, यही बेटा मल्टीपल एलिलिज्म है ज्यादा, मतलब यहां से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व करते हैं। अब इस पे बात करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। अब अपन एक बार देख सकते हैं, मेंडल के अकॉर्डिंग अपन क्रॉस करवा सकते हैं। आपको अगर कोई बोलता है बेटा कि पेरेंट का जो फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए, ठीक है, फादर का ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है प्यारे बच्चे, बी है। तो सबसे पहले अपन होमोजाइगस कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है तो आई ए, सॉरी हेटरोजाइगस की बात कर लेते हैं, आई ए आई ओ, और यहां पे भी आई बी आई ओ, तो प्रोबेबिलिटी क्या है इनसे जो चाइल्ड्स पैदा होने के वाले हैं वो कौन से ब्लड ग्रुप के होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहां पे फोर टाइप्स के गैमेट बनेंगे, सॉरी यहां से टू टाइप के बनेंगे आई ए आई ओ, और यहां से भी टू टाइप के बनेंगे आई बी आई ओ। पुनेट चेकअप बोर्ड की हेल्प से अपन इजीली इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं आई ए आई ओ, ओके, और आई बी आई ओ, तो यहां से अपन इजीली इनको बेटा क्या कर सकते हैं, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं आई ए आई बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, आई बी आई ओ, आई बी आई ओ, ठीक है, और आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, और आई ओ आई ओ, आई ओ आई ओ। तो यहां पे अपन प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो कितने का होगा बेटा, 25%, ठीक है, और बी ब्लड ग्रुप कितनों का होगा, बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी है 25%, ए ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%, और ओ ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी कितनी है 25%, ठीक है बेटा। इस तरीके से अपन सारे कोई भी एग्जांपल लेके आप इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा इसी को अपन ने, ये हेटरोजाइगस कंडीशन में था, ये हेटरोजाइगस कंडीशन में था, हेटरोजाइगस में था ये, और यहां भी ये दोनों केस में थे हेटरोजाइगस में। अब बेटा यही अपन यहां पे होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ले लेते हैं इनको, ठीक है, तो वही है ए और बी, ए और बी को अपन किस में ले लेते हैं, हेटरोजाइगस में ले लेते हैं, यानी आई ए आई ए आई बी आई बी। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी बनती है एक ही टाइप के बनेंगे, चाहे आप दो बना लो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर सेम टाइप के बनेंगे गैमेट्स, आई ए आई ए आई बी आई बी। पुनेट चेकअप बोर्ड की हेल्प से आप इजीली इनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आई ए आई ए आई बी आई बी, तो यहां पे ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आई ए आई बी आई ए आई बी, और यहां पे भी कैसा होगा, आई ए आई बी, ठीक है, और यहां पे भी कैसा होगा, आई ए आई बी। तो यानी होमोजाइगस कंडीशन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे जो ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो 100% होगा, और यहां पे बेटा ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का, कि दोनों के दोनों जो यहां पे एक साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आई ए भी एक्सप्रेस कर रहा है और आई बी भी यहां पे प्रोजेनी के अंदर दोनों एक साथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी यहां पे जो जितने एलील्स हैं जिनके दोनों के दोनों यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सप्रेस कर रहे हैं जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल अपन ने कोडोमिनेंस का कौन सा देखा था, स्किन कलर ऑफ काउ। तो यहां पे बेटा अपन इसी बात के साथ में अपन मल्टीपल एलील्स को कंप्लीट करते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए।
हाँ बच्चों, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं लीथल जीन्स। मल्टीपल एलिज़म के बाद में अब अपन आगे डिस्कस कर रहे हैं लीथल जीन्स क्या होते हैं। लीथल जीन्स क्या होते हैं? जो वैसे जीन्स बेटा जो क्या करते हैं, डेथ कॉज करते हैं। सर ऐसे कौन से होते हैं? लेकिन सिचुएशन पे, कि सिचुएशन में जब वो बेटा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो क्या कॉज करेंगे? डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीथल जीन्स बोलते हैं। कैसे करते हैं वो अपन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। ए जीन रेगुलेट्स दी एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, बट व्हेन इट अकर इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, इट कॉजेस डेथ। ये क्या कॉज करते हैं बेटा? ये डेथ कॉज करते हैं, ठीक है। क्या कॉज करेंगे? ये डेथ कॉज कर देंगे जब भी ये किसी होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट हो। तो ऐसा कैसे होता है ये अपन देखते हैं। ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डोमिनेंट लीथल जीन होते हैं, रिसेसिव लीथल जीन होते हैं, और थर्ड वन कंडीशनल लीथल जीन होते हैं, ठीक है बेटा। अपन एक दो एग्जाम्पल इनके डिस्कस करते हैं। डोमिनेंट के और एग्जाम्पल्स कुछ हैं जो कि अपन आगे डिसऑर्डर्स के अंदर हम लिथल जीन के जो एग्जाम्पल्स हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो बेटा अब लिथिलिटी क्या होती है? लिथिलिटी होती है कि एक ऐसा जीन जो क्या कॉज कर रहा हो? डेथ कॉज कर रहा हो। अब ऐसी इसको अपन क्या बोलते हैं? लिथिलिटी। ऐसी लिथिलिटी जो बर्थ से पहले ही हो जाए उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? एब्सोल्यूट लिथिलिटी। यानी जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर ही किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो ऐसी उसको क्या बोलते हैं अपन? एब्सोल्यूट लिथेलिटी। सब लिथेलिटी बिफोर सेक्सुअल मेच्योरेशन से पहले डेथ हो जाए, जिसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, और डिलेड लिथेलिटी, डिलेड लिथेलिटी का जो एग्जांपल है वो क्या है? हंटिंगटन कोरिया डिजीज, जिसमें आगे चलकर 40-50 यानी आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरेशन के बाद में डेथ हो, ठीक है बेटा। तो एक अपन डोमिनेंट लिथिलिटी का एग्जाम्पल लेकर एक बार अपन थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं। कि जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोट कलर ऑफ माउस, कोट कलर ऑफ माउस, कोट कलर ऑफ माइस, ओ ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये येलो हेटरोजाइगस और ये येलो हेटरोजाइगस, ये F1 आ चुकी है इनकी, यानी येलो ब्राउन के बीच में अपन ने क्रॉस करवाया, तो डोमिनेंट कौन है? Y है। तो ये अपना इफेक्ट शो करेगा, F1 हमेशा नॉर्मल होती है। देन बेटा यहाँ पे ये मेल और फीमेल के बीच में क्या होंगे? क्रॉस होंगे। ये येलो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? येल्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये भी येल्लो और ये भी येल्लो। यहाँ पे बेटा हमने क्रॉस करवाया, कितने टाइप के गैमेट बने? टू टाइप्स के गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनके बीच में हमने क्या करवाया? यहाँ पे क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखो बेटा, क्रॉस करवाया हमने, ये मेल है और ये फीमेल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्रॉस करवाए, देखो अब इस क्रॉस के बाद में आप अपने आप समझ जाएंगे। ये आया, ये मिला कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल, सॉरी स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ओके स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पे चेक किया, क्रॉस देखा, तो यहाँ पे रेशियो मिला क्या?
रेशियो मिलता है, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे मिलता है। ये कैसा होना चाहिए? येल्लो होना चाहिए। और ये भी कैसा होना चाहिए? येल्लो होना चाहिए। ये भी येल्लो और ब्राउन, ठीक है। ये कुछ ऐसा आना चाहिए, रेशियो कैसा आना चाहिए? अगर अपन फिनोटिपिक या जीनोटिपिक अपन रेशियो की यहाँ पे बात करते हैं, तो कैसा हमें फिनोटिपिक रेशियो मिलना चाहिए, या तो 3:1, और यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो कैसा मिलना चाहिए? 1:2:1। पर यहाँ पे बेटा जो रेशियो मिला, जो यहाँ पे रेशियो मिला, वो मिलता है 2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या है बेटा? 2:1। फिर यहाँ पे क्यूनोट ने इसकी डिस्कवरी की थी, जो लीथल जीन है इसकी डिस्कवरी क्यूनोट ने की थी। ये वाला जो बेटा माइस है, इसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाती है, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है। इस वाली कंडीशन में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें ऐसा रेशियो मिलता है 2:1। 1:2:1 की जगह जो हमें रेशियो मिला यहाँ पे, वो क्या मिल रहा है हमें? डायरेक्टली 2:1 रेशियो मिल रहा है। यानी जीनोटिपिक रेशियो भी हमें क्या मिलेगा? जीनोटिपिक रेशियो भी हमें क्या मिलता है? 2:1 ही मिलता है, ठीक है। अगर इसका ये जीनोटिपिक हमें कैसा मिलना चाहिए? जीनोटिपिक हमें ऐसा मिलना चाहिए, लेकिन जीनोटिपिक हमें ऐसा नहीं मिलता है, हमें यही रेशियो मिलता है, 2:1 का रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसी ये जो क्या है, इसे हम बोलते हैं बेटा लिथल जीन। इस तरीके से डिजीज कोच करता है। हंटिंगटन कोरिया है, न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है, न्यूरोन्स को डैमेज कर देता है, लेकिन ये आफ्टर 40-45 की एज के बाद में होता है, आफ्टर सेक्सुअल मेच्योरिटी के बाद में, जिसे अपन डिलेड लिथेलिटी भी बोलते हैं। सब लिथेलिटी यानी ये अपन ने अभी जो एग्जांपल देखा बेटा, ये है डोमिनेंट लिथल जीन का। डोमिनेंट लिथल जीन जो है, इसका जो एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है कि हमें अगर ये एब्सोल्यूट है, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डेथ हो जाती है, हमें वो प्रोजेनी जनरेशन के अंदर मिलेगी ही नहीं, ठीक है। सब लिथेलिटी के अंदर अपन बात करते हैं कि रिसेसिव का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसे बेटा अपन आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिसेसिव का एग्जांपल है। रिसेसिव कंडीशन के अंदर इफेक्ट करती है, ये डोमिनेंट में कर रहा है, डोमिनेंट में ये यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है। डोमिनेंट की प्रोजेनी हमें येल्लो देखने को ही नहीं मिलते, प्योर होमोजाइगस कंडीशन के जो येल्लो हैं वो देखने को ही नहीं मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो अपन ने देखा कौन सी है, एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट लिथेलिटी है, ठीक है। एंड सेकेंड वन कौन सी है बेटा? सब लिथेलिटी, सब लिथेलिटी, लिथेलिटी। एंड थर्ड वन इज द डिलेड लिथेलिटी, डिलेड लिथेलिटी, ठीक है। सब लिथेलिटी, एब्सोल्यूट लिथेलिटी, सब लिथेलिटी एंड डिलेड लिथेलिटी। और ये जो बेटा एग्जांपल है, ये कैसा है? डोमिनेंट लिथल जीन का है। ये डोमिनेंट के अंदर ये आ जाएगा, हंटिंगटन कोरिया आ जाएगा, लेकिन उसमें जो डेथ होती है वो आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है। किसके अंदर? हंटिंगटन कोरिया के अंदर। और मैंक्स कैट का भी एक एग्जाम्पल है, जो भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? डोमिनेंट लिथल जीन का एग्जाम्पल है। रिसेसिव के अंदर अपन सिकल सेल एनीमिया की बात कर सकते हैं, एल्बिनिज्म की बात कर सकते हैं, और थर्ड वन जो है हमारा वो है कंडीशनल, जिसके अंदर बेटा कंडीशनल के अंदर टेम्परेचर के बेसिस पे, या फिर टेम्परेचर सेंसिटिव ड्रोसोफिला के अंदर अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ये अपने बहुत आउट ऑफ ज़्यादा डीप हैं ये चीज़ें। तो अपने को एनसीईआरटी बेस्ड थोड़ा कंटेंट, जिसमें आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, उतना अपने को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये अपन ने सारे एग्जांपल देखे, और जो एग्जांपल्स है लाइक सिकल सेल एनीमिया, ये अपन आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इसे बेटा नोट डाउन कीजिए, देन अपन और आगे डिस्कस करते हैं।